बच्चों, आज हम दो पाठ के बारे में जानेंगे, लिंग और वचन, जेंडर एंड नंबर्स। पहले जानेंगे लिंग के बारे में। परिभाषा, डेफिनेशन। जिन शब्दों से किसी पुरुष या स्त्री होने का बोध हो उन्हें लिंग कहते हैं। जैसे लड़का लड़की, नर नारी। इसमें लड़का और नर पुल्लिंग है और लड़की व नारी स्त्रीलिंग है। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जैसे बेटा खाना खा रहा है, बेटी खाना खा रही है। इन वाक्यों में बेटा और बेटी, देखिए, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो रहे हैं। आइए देखें पुल्लिंग की पहचान। जिन शब्दों के अंत में आ, आ, पा, पन व न होते हैं वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे पर्वत, महीने, दिन और ग्रहों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। पेड़ों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं। रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं। और शरीर के अधिकतर अंगों के नाम, जल स्थान और भूमंडल के भागों के नाम पुल्लिंग होते हैं। आओ देखें स्त्रीलिंग की पहचान। जिन शब्दों के अंत में ख होता है वे स्त्रीलिंग होते हैं। भाववाचक संज्ञाओं के अंत में वट, ट और हट होता है वे स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे घबराहट, सजावट। भाषा, बोली और लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जिन शब्दों के अंत में इया आता है वे स्त्रीलिंग होते हैं। नदियों, नक्षत्रों व तारीखों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। किन्हीं शब्दों के आगे नर या मादा भी लगाकर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दर्शाते हैं। जैसे नर मादा, कैसे कहेंगे, नर भेड़ और मादा भेड़। आइए कुछ उदाहरण देखें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के। जैसे लड़का लड़की, बेटा बेटी, दादा दादी। यहाँ पर ई शब्द से परिवर्तन हो रहा है। बूढ़ा बुढ़िया, कुत्ता कुतिया, बेटा पिटिया। यहाँ पर इया शब्द से परिवर्तन हो रहा है। बालक बालिका, गायक गायिका, नायक नायिका। और यहाँ पर ई का शब्द से परिवर्तन हो रहा है। आइए अब जानें वचन के बारे में। वचन, नंबर्स। वचन की परिभाषा इस तरह है, डेफिनेशन। जिन शब्दों से एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। जैसे एक वचन में लड़का और बहुवचन में लड़के परिवर्तन हो रहा है। इसी तरह लड़की लड़कियां, किताब किताबें। वचन के दो भेद होते हैं, एकवचन और बहुवचन। आइए कुछ उदाहरण देखें एकवचन और बहुवचन। आंख आंखें, सड़क सड़कें, गाय गायें।
आइए कुछ और उदाहरण देखें। कन्या कन्याएं, कला कलाएं, माता माताएं, नारी नारियां, थाली थालियां, कॉपी कॉपियां, गुड़िया गुड़ियां, बिटिया बिटियां, बुढ़िया बुढ़ियां। और कभी कभी एक वचन और बहुवचन समान होते हैं, एक जैसे होते हैं, उनमें परिवर्तन नहीं होता। आइए देखें कुछ उदाहरण, जैसे अक्षमा अक्षमा समान रहता है, जल जल, राजा राजा। थैंक यू।